안나라 안나라 알아. 이 사이드 라인도 안나라 하지. गौरचंद्राय राधिकाय विष्णुदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महाबलनाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरवकृते नमः हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते वपे सहगोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चनगौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी सहाय मुसुकदेवी प्रणमामि हरि प्रिय वृन्दाय तुलसीदत्तये प्रियाय केशवस्थ कृष्णवती व्रजदेवी सत्कृतये नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव सर्व गौर भक्त वृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मृदुपाद पद्म विपुलिका वरिष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत भक्ति साष्टांग दंड प्रदान करता हूँ। तत्पश्चात मैं शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रकृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथारीति प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग एक ग्रंथ को श्रवण करेंगे जिसका नाम है श्रील प्रभुपाद गीता उपदेशानुक्त। फिर श्री प्रभुपाद अलग अलग समय पर अलग अलग भक्तों ने प्रभुपाद को अलग अलग उन्होंने प्रश्न किया। प्रभुपाद ने ये प्रश्न का उन्होंने क्या क्या पूर्ण उत्तर दिया था आज हम उसको श्रवण करेंगे। यदि प्रभुपाद का जो उपदेशा मिलता है यदि प्रभुपाद कौन ही यदि प्रभुपाद कौन ही ये राधा रानी की नयन मणि मंदिर यदि प्रभुपाद जगत में आई क्यों यदि इसलिए आए जब श्री प्रभुपाद श्री राधा रानी की निकुंज महल में राधा जी चरण की सेवा में संलग्न थी तो राधा रानी जीवों का रूप को देख करके श्री प्रभुपाद को बताया बोले नयन मणि मंदिर ही राधा रानी को और ही राधा रानी बड़ी दया बोले करुणा करुणी करुणा भरे थे क्योंकि ये करुणा की ये मूर्तिमान स्वरूप से राधा हर समय राधा रानी के आंखों से आंखों की आंसुओं की झरी बहती है बोले क्यों बहती है तो संसार में जीवों का दुख देख करके क्योंकि एक स्वरूप में राधा रानी ये जीवों की माँ है जो मूल माँ कौन श्री राधा रानी कहते माँ कभी बच्चों का दुख नहीं दे सकती। बच्चे अगर खुश रहेगा पिता माता भी खुश रहेगा अगर बच्चे दुख हो दुखी हो तो पिता माता कभी सुखी रह ही नहीं सकती वो भी दुखी रहती है। अभी राधा रानी दयालु कृपा राधा रानी अभी जीवों का दुख को देख करके संसार में एक श्री
प्रभुपाद से नयन मणि मंजिल को बताए, तुम नयन मणि जरी जाओ जगत में ये जीव इतने दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, जाओ उन जीवों को तुम उधार करके ले आओ। बोले तुम अकेले मत जाओ, तुम अपना परिक्रम को लेकर के जाओ। इसलिए प्रभुपाद जब आए अकेले नहीं, वो सारे अपना परिक्रम को भक्तों को सुलभ प्रभुपाद अपना भक्तों को लेकर के आते हैं इस जगत में। इसलिए कहते राधा रानी की जो दृष्टि शक्ति कृपा शक्ति ही कहते सुलभ प्रभुपाद। हम कहते ना मुनि द्रव्य दीदा बंदिते त्रिलोक सोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकज निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भायु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करी श्री रमा कृपा हमारी। तीन लोगों का जो शोक को दुख को ये हरण करने वाले से ज्यादा है। और हम लोग कृपा कैसे करते हैं, कहते ना कृपा दृष्टि कर प्रभु जगते प्रति जागरूक हृदय मोर सुमंगल आरती। हम भजन कहते हैं ना कृपा दृष्टि कर प्रभु जगत प्रभु, राधा रानी को कहते हैं अब हमारे ऊपर में कृपा दृष्टि कर प्रभु ना कृपा दृष्टि कर प्रभु। जब कृपा दृष्टि कैसे कहते हैं आंखों से दृष्टि करते हैं आंखों से। यदि ये प्रभुपाद को मतलब राधा रानी की जो आँख है आँख में जो पुतला है इसलिए प्रभुपाद मान ये प्रभुपाद कदा करी शशि हमा कृपा कटाक्ष राजा। तब तब ऐसे होगा जो कि राधा रानी की कृपा कटाक्ष भी हम भाजन बनेंगे अधिकारी बनेंगे। जब राधा रानी हमारे अपने कृपा करने करेगी तब अधिकारी बनेगी। इसलिए माना राधा रानी की जो कृपा है इसलिए प्रभुपाद रूप में इस जगत में आए। इसलिए प्रभुपाद महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था क्या भविष्यवाणी था, पृथ्वी से आशीर्वाद नगर आदि का सर्वत्र प्रचार होंगे, ये प्रभु महाप्रभु का भविष्यवाणी। क्योंकि भविष्यवाणी को यद्यपि महाप्रभु ने जिसको जिसको द्वारा जितना करवाना था करवाया, लेकिन अगर कोई पूर्ण रूप में अगर किसको द्वारा कराया तो किसको द्वारा करवाया, यह प्रभुपाद द्वारा किला प्रभुपाद द्वारा। उन्होंने आकर की सचमुच से संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में हरि भक्ति की चौसठी जैसे भक्ति के अंदर चौसठी गौरव स्थापन किया, ब्रह्मचारियों को घर घर में भेजे जा जाकर के महापुरुषवादियों को घर घर में जा करके प्रचार करो, उनका संदेश को प्रदान करो। इसलिए कहते प्रभुपाद हैं इस जगत में, अगर प्रभुपाद नहीं आते ना हम तो यहाँ बैठ करके थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं, तिलक लगाना आरती गाना माला जप कर रहे हैं कथा सुन रहे हैं प्रसाद पा रहे हैं, ये थोड़ी बहुत कर रहे हैं ना, ये किसकी कृपा है, किसकी कृपा ये है, कहते श्री प्रभुपाद का कृपा है। अगर ये महापुरुष नहीं आते हम कभी भी थोड़ी बहुत जो भक्ति के अंग जाचन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं ये प्रयास असंभव। इसलिए हम लोग सब के सब श्री प्रभुपाद से अपने अनुरोधी है। इसलिए हमारे श्री भक्ति प्रज्ञा के सब गोस्वामी महाराज कहते थे भले कि तराजू है, तराजू की एक तरफ में अभी तक जितने आचार्य आए हैं उनका अवदान को एक तरफ में रखो, उनका वैशिष्ट रखो, और प्रभुपाद का अवदान को एक तरह में तराजू का एक तरफ में रखो, देखोगे प्रभुपाद का जो तराजू का जो फल आइए भारी है। मतलब इतना उन्होंने प्रचार प्रसार किया है संपूर्ण विश्वव्यापी। पहले अगर कोई प्रचार किया ना किसी एक कोणे में रामानुज मध्व विश्व कोई किसी एक कोणे में कोई बहुत प्रचार किया, लेकिन संपूर्ण विश्वव्यापी जो प्रचार ये प्रभुपाद का ही प्रधान है। श्री भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की। इसलिए ये जो ग्रंथ है यदि ये प्रभुपाद का उपदेश
बोले साहब मेरा मतलब क्या है, प्रभुपाद आए कहाँ से? बोले बोलो कि वृंदावन से राधा रानी उनको भेजा है। अगर वो जो कुछ इनका जो इनको जो जो पहला प्रश्न के भजन रहस्य जानते पारे, कहते भजन का रहस्य तो कौन जान सकता है? तो भजन रहस्य मतलब जो नारायण को भजन करता है वही भजन कल में सब कुछ कौन को कहते नारायण को जो भजन करता है तो वही भजन जो राम को भक्ति करता है वही भक्ति है वो भी भक्त है। जो बामन देव को भक्ति करते हैं वो भी भक्त है। जो शंकर जी की भक्ति करते हैं भी सब सब जो करते हैं वो सबके सब भक्ति भक्ति है। लेकिन इनका यहाँ प्रश्न है इनका भजन का जो रहस्य, भजन सब करते हैं लेकिन भजन की जो रूपानुभव श्री रूपात पत्नी है विशेष विप्रलम्ब सेवक ही भजन रहस्य जानते पारे। यहाँ पर भी एक बात कहते हैं कौन समझ सकता है उसे स्वरूप और उसी रूपानुभव गुरुदेव भी अलग अलग गुरुदेव है। जो नारायण की उपासना करते हैं उनका भी गुरु अलग है जो उनकी शरण में जाते हैं। जो सीताराम की उपासना करते हैं उनका भी गुरुदेव जो मंत्र प्रदान करते हैं हैं जो वैकुंठ जो श्री द्वारकाधीश भक्ति करते हैं उनका भी गुरु होगा। जो मथुरे से भक्त उनका भी गुरु होगा। जब उनके कृष्णा ब्रजनंद की उपासना करते हैं उनका भी गुरु होगा। लेकिन उन्होंने भजी यहाँ पर कहते हैं कौन गुरुदेव शरण लेने से भजन का कृष्णदास के विराज गोस्वाम की अपना भाव को प्रकाशन कर दी। वैसे नरोत्तम दास का क्या कहते हैं रूप रघुनाथ बने रहु कुमार वास प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ठाकुर भी इनके अंदर अपना भाव को प्रकाशन कर दिया। स्वर्ग सारी गोस्वाम जो उनकी भाव में अपने आप उनके प्रकाशन कर दिया। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं श्री रूप गोस्वामी की चरण की धूल कब में भज पाऊंगा, कब उनकी चरण के धूल कब उनकी चरण के धूल की प्रार्थना की। बोले कारण क्या है? बोले क्या कारण? बोले कारण है महाप्रभु महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के ब्रजप्रेम राधा कृष्ण की जो जुगल की जो निकुंज की जो सेवा है उन्होंने ब्रह्मा का एक दिन एक बार आकर उन्होंने ये प्रेम प्रदान किया। वो कौन सा प्रेम है? क्या है? विरह होता है विरह। इसलिए ऐसे गुरुपाद प्रकृति जो सेवा करते हैं जो संपूर्ण विप्रलम्ब मतलब होता है संपूर्ण रूप से उसमें तदात्म हो जाए संपूर्ण रूप से उसमें तदात्म हो जाना विप्रलम्ब तो यही है क्योंकि विप्रलम्ब के बगैर संभव कुछ नहीं होता है मेरा सुख नहीं है। इसलिए ऐसे गुरु जी का जो सेवा करेगा फिर क्या होगा? तो प्रभुपाद कहते हुए ये भजन रहस्य को जान सकते। इसलिए कहते जहाँ श्री गुरुपाद पद में दृढ़ विश्वास वो प्रीति आचे सही गुरु निष्ठा भक्त ही विश्रम सेवक श्रुति बोले बोले विश्राम सेवक कौन है? कहते वही विप्र सेवक है जो गुरुपाद पद्म में जिनकी दृढ़ विश्वास और जिनकी प्रीति और जो गुरु जी की चरण का हृदय में ये सारे तत्व ज्ञान किसके हृदय में स्फूर्ति प्राप्त होता है। इसलिए जिनकी जस देव प्राप्त तीन तरह का भक्त है कितने तरह का तीन तरह का शिष्य है। पहला नंबर जो उत्तम सेवक है जितने भगवान में निष्ठा है उससे ज़्यादा निष्ठा गुरु जी का सेवक है ये नंबर हुआ। दूसरे नंबर गुरु जी की प्रति की जितना हृदय प्रचुर बल हृदय में
तभी हृदय में बल आएगा जब हम गुरु जी की सेवा को गुरु जी की सेवा करेंगे, प्रीति को साथ में जब हम गुरु जी की सेवा करेंगे तभी हमारे हृदय में ये प्रचुर बल आएगा है। इसलिए गुरु सेवा और नाम सेवा द्वारा ही भक्त बल पावे लाभ होवे, भक्त बल का भावे एक तो गुरु जी का सेवा, अतएव गुरुदेव करे सेवा, इसलिए गुरु जी की सेवा और भगवान की आप सेवा करोगे ना उसके साथ में तुम्हारी संबंध हो जाएगी। अब बेटे को खिलाओ खिलाओ बेटे को संबंध हो जाएगी, अपना बीवी को खिलाओ खिलाओ जो कुछ बदल संबंध। अब देखते जिसका सेवा करोगे उसको स्वभाव के रूप में प्रेम अपने आप हो जाएगी। इसलिए गुरुदेव सबसे पहले उनको सेवा कराया करते हैं, सेवा करो। अभी उन्होंने बारिश हो रही, अभी जैसे बारिश हो रही गुरु जी का खेती था, हम लोग डालर बेटा जाओ देख करके आओ खेती में पानी बाहर से नहीं निकल रहा है, वेट होता है ना, अगर बाहर पानी निकल जाएगा तो फिर चावल होगा उसमें ज़्यादा पानी जब बेटा देख लेते। हमने देखा बारिश तो हो रही है सचमुच, उससे पानी मेड़ को टूट करके पानी बाहर जा रहा है। उन्होंने कोशिश किया वहाँ पर मिट्टी को रखने के लिए, लेकिन पानी बारिश हो रही थी जितना रखो उतना मिट्टी बह बह गया। अभी क्या गुरु जी की सेवा करते हो कैसे प्राण देख रही थी, उन्होंने पूरा पूरा मेड़ में लेट ही लेट गया, लेट गया तो पानी रुक गया, रुक गया तो गुरु जी ने भैया अभी तक मुद्दा लगाया अभी तक आया उन्होंने देखा वो पूरा पानी दे जाएगी तो ऐसे लेट रहा। गुरुदेव थोड़ी देर बाद में आए देखने के लिए क्या कर रहे हैं, आ करके देखा पूरा सोया हुआ और पानी एक तरफ पे सूखा और उनका शरीर खिदड़ रहा था। बोले बेटा ये क्या कर रहे हैं, गुरुदेव आपने बताया पानी बह नहीं जाए, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन किसी तरह से वह मिट्टी टिक नहीं रहा था, इसलिए गुरुदेव दूसरा उदाहरण देते थे इसका उपमन्यु। ये उपमन्यु जब गुरु जी के आश्रम पर आए तो गुरु जी ने कहा बेटा जाओ भैया जाओ जाओ सेवा करो, सेवा करो तब भैया सेवा करो भैया चलाने के लिए। लेकिन गुरु जी कुछ गुरु जी पर क्या कर रहे थे, गुरु जी को तो खाना नहीं है, अभी बड़े भूख लग रहा है क्या खाएगा क्या करता था, उसने तुरंत गैया की दूध भी लेता था। गुरु जी ने देखा उसका शरीर हृष्ट पुष्ट है, बोले बेटा तेरे को तो कभी खाना नहीं लेता हूँ तेरे शरीर हृष्ट पुष्ट कैसे, बोले गुरु जी जब भूख लगता है ना तो गैया के थोड़ा दूध पी लेता, बोले खबरदार ये दूध बछड़े के लिए तेरे लिए नहीं, खबरदार नहीं खाना बछड़े भूखे रह जाएंगे। कुछ दिन बाद में देखा तब भी उसका शरीर हृष्ट पुष्ट है, बोले बेटा तेरे को मैं खाना नहीं था हृष्ट पुष्ट कैसे, बोले गुरु जी बछड़े जब दूध पीते हैं ना उनको दोनों तरफ में कितना दूध झांक निकलती है, कहते मैं ये झांक को मैं खा लेता हूँ, बोले बेटा ऐसे नहीं करना तेरे को ये खिलाने के लिए नहीं झांक पूछ कर जब झांक बनाते हैं ये बछड़े के लिए भूखे रहेंगे ऐसे नहीं करना, बोले ठीक है। तो अभी देखा बड़े भूख लगा अभी क्या खाएगा क्या खाएगा, भूख मार पेट में चूहे कूद रहे क्या खाएगा, उसने जब आता देखा पेट अब तोड़ दो ना देना उससे जैसे दूध जैसे कुछ निकलता है, अभी भूख मार उसको ही खा लिया, खा लिया तो जहर बांस हाथ में अंधा हो गया और उसने चूहे कूद रहा गुरुदेव ने देखा है तो उनको आया नहीं, गुरुदेव आए बोले उपमन्यु बोले गुरु जी मैं तो गड्ढे में पड़ा हुआ, बोले ये कैसे हो गया, बोले मेरे को भूख लगा और मैंने आकर का पेट तोड़ करके मैंने उसका जूस पी लिया मेरा आंधा आ गया। फिर गुरुदेव उसको वहाँ से निकाले सर पर आशीर्वाद देते जा बेटा तेरे को आशीर्वाद देता हूँ तेरे हृदय में सारे वेद पुराण सबसे सब हृदय में तुम्हारी मुक्ति प्राप्त हो। गुरुदेव ये दूसरा उदाहरण देते थे गुरु सेवा उन्होंने कैसे गुरु जी की सेवा की। फिर उन्हें तीसरा उदाहरण देते थे कृष्ण और सुदामा। कृष्ण सुदामा गुरु माता ने बोले जाओ जंगल से लकड़ी बीन करके आओ ठाकुर का दुखी होगी,
अभी भगवान स्वयं लकड़ी का गठरी लेकर के सर में खड़े थे, इतने में घना और बारिश आंधी तूफान बारिश पानी पानी सर दस रहे, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, कहाँ जाएंगे क्या करेंगे। अभी भगवान स्वयं बिल्कुल एक इशारा पर विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाए। आज ठाकुर जी लकड़ी की लकड़ी लेकर सर को भरेंगे, गले से तो पानी पर ठाकुर जी करेंगे, शरीर थत्थर थत्थर कांप रहा। गुरु जी ने देखा अभी तक कृष्ण सुदामा आए कहाँ गए, आए लांटेन लेकर के, कृष्णा सुदामा कहाँ हो। बोले गुरु जी हम यहाँ। बोले वहाँ क्या कर रहे हो। बोले गुरु जी चारों तरफ में पानी पानी हो गया, हम किधर जाए नहीं कर समझ नहीं आ रही, और देखा लकड़ी का कटी हुए सर पर लकड़ी क्यों रखे। बोले गुरु जी फिर ठाकुर के लिए रोसोई कैसे बनेगा, गुरु जी की सेवा भक्तों का सेवा कैसे होगा। गुरु जी देख कर कितने प्रसन्न हो, कितने प्रसन्न हो गए, उन्होंने के सर पर हाथ रखे, बेटा जाओ तुम्हारे हृदय में जितने वेद पुराण उपनिषद सब हृदय में जाओ आशीर्वाद लेता हूँ। और एक दिन तुम्हारा दोनों का जो नाम है ना जैसे ध्रुव तारा चमचमा रहेंगे, एक दिन तुम दोनों का नाम दे रहे चमचमा रहे, अब चमचमा रहेगी दोनों का नाम भागवत पढ़ो कृष्ण सुदामा की कथा, कृष्ण सुदामा की कैसे गुरु सेवा की। इसलिए कृष्ण ये बात किसको कह रहे हैं, सुदामा जी कहाँ, जब सुदामा कृष्ण को दर्शन करने के लिए आए, जैसे पलंग को ऊपर में रुक्मिणी को साथ में प्रभु विश्राम करते हैं, उसमें बैठ कर चर्चा करते हैं, कृष्ण उनको स्मरण करा रहे हैं, याद है और कृष्ण कहते हैं सुदामा ना अहम इच्छा प्रजाति तपस्या उपसमने वा तुष्य अहम सर्वभूतात्मा गुरु श्री गुरु जी की सेवा से जितने संतुष्ट करता हूँ ना अहम इज्ञा, इज्ञा मतलब तो पूजा पाठ, उसको जरा भी इतना संतुष्ट नहीं होता है, वेद पुराण पढ़ने से उतना संतुष्ट नहीं होता है, इसको जरा संतुष्ट होता हूँ गुरु शुश्रूषा देता, गुरु जी की सेवा से ठाकुर की सेवा से जितने संतुष्ट होता हूँ और किसी को जरा में इतना संतुष्ट नहीं होता। इसलिए गुरुदेव भगवान मैंने कैसे गुरु की सेवा की आदर से दिखाया, उन्होंने सिखा देते अब देखना ठाकुर भगवान की सेवा करो, गुरु वैष्णव की सेवा करो, स्वयं देखना हृदय में अपने आप सब चीज स्फूर्ति प्राप्त हो अपने आप, क्योंकि देने वाले को विद्या देने वाले कौन, ठाकुर देने वाले श्री ठाकुर ही देने वाले हैं। भगवान निष्कपट रूप में सेवा देखेंगे, हृदय से सब कुछ उसको हृदय से सब कुछ उसके हृदय। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं भक्ति का जो बल है, भक्ति का बल हाथ में गुरु जी वैष्णव भगवान की सेवा, हाथ में ठाकुर की सेवा, और मुंह में क्या करो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 इनका जो तीसरा नंबर है, कल मैं सबको सब इनका तीसरा नंबर जो प्रश्न है, बोले कर्तव्य बुद्धि है, ये चीज का ध्यान रखो, कर्तव्य बुद्धि है तो जहाँ करा जाए तहाँ की भक्ति, जो कर्तव्य बुद्धि में जो कुछ करते हैं क्या यह भक्ति है, कर्तव्य बुद्धि में जो करते हैं ये क्या भक्ति है, बोलो भक्ति है कि नहीं, क्यों नहीं। इसलिए इसका उत्तर प्रभुपाद देते ही, बोले कर्तव्य बुद्धि व कृतज्ञता प्रकृति मान्य प्रति, ये कर्तव्य बुद्धि और जो कृतज्ञता यदि मन का वृत्ति है तथा आत्मा वृत्ति व आत्मधर्म नहीं, यदि आत्मा का वृत्ति ये आत्मधर्म नहीं है। कर्तव्य बुद्धि क्रिया मनोबुद्धि अहंकार उपरे और भक्ति क्रिया आत्मा भूमिका है, कर्तव्य बुद्धि से जो काम करते हैं
मन बुद्धि और अहंकार ऊपर में निर्भर करता है, लेकिन जो भक्ति का जो क्रिया है यदि आत्मा की वृद्धि है, समझ रहे, कर्तव्य बुद्धि मतलब है। अगर कोई सोचे भैया जब मठ में रह रहे हैं कुछ तो करनी चाहिए, नहीं तो ऐसे बैठे बैठे कैसे खाना खाएंगे, कुछ तो करनी चाहिए ना मठ में जब रह रहे हैं, है? इसलिए हम कर रहे हैं चूंकि हम मंदिर में रह रहे हैं, कुछ करनी चाहिए यदि आत्मा की वृद्धि। जैसे और कुछ कुछ लोग होते हैं ना, देखो पैसा देंगे तो हम सेवा करेंगे, हमको 5,000-10,000 रुपया देना पड़ेगा, हम ठाकुर की सेवा करेंगे। इसलिए प्रभुपाद इसको कहती है वृत्त कर सेवा, ये सेवक नहीं, ये खरीदी किया हुआ, इसको भक्ति नहीं कहते हैं। तो यह ठाकुर सेवा क्या क्यों करते, बोले मिलता है ना महीना में 5,000-10,000 रुपया मेरे को मिली, इसलिए बोले पैसा नहीं मिले फिर हम सेवक की सेवा क्यों करेंगे, अरे हम सेवा क्यों करेंगे। लेकिन ये क्या है, इसको कर्तव्य बुद्धि कहते हैं, ये सब कर्तव्य बुद्धि है, लेकिन भक्ति की कहती है आत्मा की वृद्धि नहीं, ये मन बुद्धि अहंकार ऊपर वृद्धि है। लेकिन जो आत्मा का जो वृद्धि है, क्या आत्मा वृद्धि है, जीवन स्वरूप है कृष्ण दास है, कौन हम भगवान की नित्य सेवा उनका नित्य दास है, विश्राम राम सेवा है और विश्राम है। इसलिए जैसे हम कोई काम करते हैं तो सेवा कर रहे हैं, पहला का जो इतिहास, पहले हमने जो जो कुछ करते किया आए हैं पत्नी बच्चे संसार के लिए, तो ठाकुर जी तुम्हारी सेवा करते करते ना तुम्हारी सेवा में जो आनंद आ रहे हैं, हमने ये सारे दुख हम भूल गए, भूल गए सकल सब कुछ हम भूल गए, सेवा सुख है जब भगवान की सेवा करेंगे। इस जगत में देखो अगर किसकी सेवा किया ना कब खुश हो गया, तो अगर बीबी खुश हो गया बच्चा खुश हो गया उसको खुश ना खुश हो जाता, इतना जो परिश्रम करते हैं ना परिश्रम नहीं लगता, बीबी खुश हो गई बीबी थोड़ी बीटी भी छोड़ दी और बच्चे पति से पापा मामा माम बोल विवास उसको खुश से हम खुश हो जाते हैं। ये जड़ सूत्र है, लेकिन जो आत्मा की जो असली जो शांति असली जो आनंद है वो भगवान की सेवा में ठाकुर की सेवा में, ठाकुर जी तेरी सेवा करते 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 हमने सारे बच्चों को इतिहास सेवा सुख हमारे मन, आप ही तो तुम्हार तुम्हें कहते मैं आपका हूँ और आप मेरे हो, पिताज अपर धने दूसरा धन हमारे क्या। इसलिए जो व्यक्ति कर्तव्य बुद्धिमान करके सेवा करते हैं वो सेवा जो आत्मवृद्धि मान के भगवान हमारी नित्य प्रभु हम नित्य सेवक, हमारा धर्म ही उनकी सेवा ही हमारी धर्म और हमारी कोई धर्म नहीं, इसलिए पीट करके सेवा नहीं करनी चाहिए, पीट करके सेवा करोगे तो ठाकुर भी पीट करनी चाहिए, ठाकुर भी पीट करके फिर जैसे करोगे वैसे हो गया, इसलिए तुम भी पीट करके ठाकुर भी पीट करके देंगे, पर ठाकुर जी तुम्हारे हृदय में वो वस्तु नहीं देंगे जो वस्तु देनी तुम्हें चाहिए, फिर ठग देंगे ठाकुर जी मैं ठग देंगे। इसलिए ठाकुर जी जिसका पट हो करके ठाकुर जी की जितने सेवा कर पाओगे हैं, देखो ठाकुर जी बैठे ना देखा ना, जैसे घर का कोई मालिक है, घर का कोई मालिक है, घर में कोई नौकर है, अगर वो मालिक देखता है भैया जो तीन वर्ष संसार का काम करता है तीन वर्ष, अगर मालिक उसको देख कर इतने प्रसन्न, लेकिन जब उसको महीना को बाद में तनख्वाह देने जाता है तनख्वाह लोग अगर ये बोलेगा नहीं हमें तनख्वाह नहीं चाहिए, तो आपकी सेवा चाहिए हमें तनख्वाह नहीं चाहिए आपकी सेवा चाहिए, बताओ मालिक क्या समझेगा, बता मालिक मालिक क्या करेगा, वो दिन भर करता है सेवा,
और दिन भर सेवा करता है। अगर उसको कोई लाज में ऐसे करेगा अपना, अगर बड़ा प्रपट सारे प्रपट उसको नाम पर दिखा कर सारे प्रपट का मालिक बना कर, इतना उसने मेरी सेवा की एक पैसा नहीं दिया, अपना बच्चों को जितना देगा है ना उतना अपना भवपुर को देकर चले जाएगा। जी उसने हमारे जीवन देख करके उसने सेवा किया है। इसलिए ठाकुर जी यहाँ बैठे सब देख रहे हैं, फोन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ठाकुर जी देख रहे हैं सब लोग ना। इसलिए हम जितने निष्कपट सभी की सेवा करेंगे ठाकुर जी उतना प्रसन्न होंगे। और ऐसे धन हमें देखे है ना देना हृदय में ठाकुर जी बोले जब पैसे प्रवृत्त करने लगता है, यदि आत्म तत्व को कब उपलब्धि करता है बोले जब कहना सही जाने जा रहे देव जान रहे, उनको वही जान सकते हैं जिनको भगवान कृपा करके जनवाते हैं, वही उनको जान सकते हैं। सब उनको नहीं जान सकते लेकिन उनको जान पाएंगे कैसे, अगर वो हमें कृपा करके जनाते हैं तब वो चीज को हम जान सकते हैं। अब कब जनाएंगे, जब हम निष्कपट होकर ठाकुर का सेवा करें, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं जहाँ आउट ऑफ प्योर लव, जहाँ आउट ऑफ प्योर लव तहाँ शुद्ध भक्ति नहीं, पृथ्वी सहित जहाँ करा जाए ताही शुद्ध भक्ति। कहते हैं आउट ऑफ लव, अब समझ रहे हैं प्रेम से बाहर जो उसको भक्ति नहीं, भक्ति किसको है जो प्रीति को साथ में जो काम करते हो, कहते वही हाँ वही शुद्ध भक्ति। ड्यूटी इज बट ए रेगुलेशन, इसको क्या होता है अंग्रेजी में ड्यूटी, तो ड्यूटी इज बट ए रेगुलेशन, ड्यूटी बेटे नियम बन जाए, ड्यूटी बेटे खाली नियम बन जाए, ड्यूटी करो नियम, हाँ कर्तव्य बेटे खाली नियम, कर्तव्य बुद्धि तो नियम। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, आत्मा की प्रीति को साथ में, हाँ हृदय की भावना को साथ में, भक्ति को साथ में ठाकुर की सेवा भक्ति करनी चाहिए। और ये जो संसार भक्त में ठाकुर कहते हैं बोले प्रभु तुम तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बलिया जाना, तो क्या कहते कहते प्रभु आप तो मेरे ठाकुर हो मैं क्या हूँ, चलो मैं आपका कुत्ता हूँ, मैं आपकी कुत्ता हूँ। आप कुत्ता कुत्ता को देखना जिस घर में कुत्ता होता है ना दरवाजे कहाँ रहता है, गेट के बाहर रहता है, बोले प्रतीप जने रे आसीत ना दिव राति व करे कुत्ता क्या करता है, कोई अगर अनजान व्यक्ति आएगा घुसने नहीं देगा, हाँ भोग कर किस तरह से घर के अंदर घुसने नहीं देगा, दुष्ट व्यक्ति को घुसने नहीं देगा हैं, और गेट के पास बैठा रहेगा, उसको रोटी आप देते ना बल्कि कुत्ते का अंदर में जो वफादारी जो है ना और किसी का अंदर नहीं है, कुत्ते को डिमांड नहीं करता है, आप उसको एक रोटी का टुकड़ा कर दे देना, जो कुत्ता आपको भूलता है आप कभी एक रोटी का टुकड़ा कर दे, वो कभी आपको भूलेगा नहीं, वो पूछ हिला करके चरने में ले जाएगा, आप खड़े हो जाएगा हैं, आके घिसने लग जाएगा, कुत्ते को देखेगी नहीं हैं, मालिक को चरने में लौट पूरे खाने लग जाएगा। हाँ इसलिए कहते प्रभु आप तो हमारा ठाकुर हो, मैं आपका कुकुर हूँ, मैं आपका कुकुर हूँ, इसलिए जो विरोधी व्यक्तियों को अंदर में घुसने नहीं दूंगा, इसलिए प्रहरी रूप में क्या करूँगा हर समय आपके संसार की प्रहरी रूप में। इसलिए हम ठाकुर जी कुत्ते हैं, हैं कुत्ते होकर वफादारी निभानी चाहिए, और जो मंदिर है ये ठाकुर जी घर है, मंदिर ठाकुर जी की घर ठाकुर जी का है, इसको ठाकुर जी का घर मान करके यदि अपने आप को अपना कुत्ता मान करके विषय प्रहरी मान करके ये सब चीज़ को रखवाल करनी चाहिए। ठाकुर जी इसी को द्वारा है ठाकुर जी हमारे प्रति खुश हो सकते प्रसन्न हो सकते हो हमारी हर चीज़ को, और देखो और एक चीज़ अच्छे तरह से जैसे अगर हमारी ममता है जैसे कहीं गंधा कोई चीज़ गंधा पड़ा हुआ लेकिन हम देख करके वो चीज़ को ना अभाव करें और पड़ा हुआ तो पड़ा हुआ हमारे क्या होगा, ये कुत्ता भी लक्षण नहीं मंदिर साफ सुथरा रहे, अगर कोई चीज़ गंदा पड़ा हुआ है उसको साफ कर दे, उसको सही जगह पर उसको क्यों ठाक, कि संसार किसका है ये मंदिर किसका, गुरु जी ठाकुर जी का घर है। अगर हम जो चीज़ जैसे घर के कोई नौकर होता है क्या करता है हर चीज़ को हर जगह पर उस चीज़ को रखता है,
हर चीज को क्या करता है, यहाँ पर दाल है, यहाँ पर चावल है, यहाँ पर कपड़ा है, यहाँ पर हाँ हर चीज को क्या करता है, सही सही जगह पर वो रखता है, हाँ सही सही। इसलिए उसी तरह हमारी कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, मंदिर में कोई चीज गंदा पड़ा हो, गंदा पड़ा हो उसको साफ कर दो, नहीं कोई गर्भ चीज यहाँ पर पड़ करके नष्ट हो रहा है, लेकिन हम देखते हुए भी वो चीज बुझे हमारे दर्द नहीं, ये भक्ति नहीं। अब देखना संसार में देख लेना, अब संसार में देखे होंगे जो व्यक्ति कमाता है ना उसको पता होगा, अगर कोई चावल रोटी कुछ कोई पड़क कर दे आटा नष्ट होता है तो वो सामने करेगा वो पत्नी को डांट दे, दिखती नहीं कमा देते है नहीं, घर में बैठी रहती हो हैं, पति डांट लगा देगी नहीं ये चीज़ नष्ट हो रहा है तेरे को दिख नहीं रहा है, क्यों, जो कमाता है उसको पता है कितने कष्ट करके वो कमा रहा है, कोई चीज भी नष्ट होगा उसको कभी सहन नहीं करेगा कोई चीज को नष्ट। हमारे मंदिर में एक सागर मार्ग, सागर मार्ग हमारे अभी जो आचार्य जो गुरु आचार्य वो बड़ी कष्ट से घर घर में भिक्षा करके भिक्षा मांग कर ला करके मठ चला, जैसे चावल होता है ना पहले हम चावल को छांट करके उसमें धान को अलग करते, उसमें जो धान बच जाती थी महाराज जी उसको भी कूट कूट करके उससे एक एक चावल निकालो, देखते कि क्यों भागवत का सेवा की वस्तु, भागवत जी की सेवा की वस्तु, जिसने दिया ये वस्तु को भागवत को सेवा के लिए दिया, जैसे सतगुरु से उसका वस्तु भागवत को सेवा में लागे और उसका आत्मा की कल्याण हो। देखो एक समय क्या हुआ, एक समय जैसे चावल से मार डालते ना, चावल से उसको मार निकालते हैं, निकालते निकालते दो चार चावल कैसे गिर पड़ा, चावल जो गिर पड़ा था उन्होंने उठाया नहीं गिर गया। एक दिन श्री बल्हा एक दिन एक बल्हाचार्य नाम पड़े बल्हाचार्य का, एक दिन श्री बल्हाचार्य भ्रमण कर रहे थे, एक व्यक्ति उनको पास में आकर मिल गया, आकर चरण में गिर गया, रोने लग गए, बोले भैया तू कौन हो, बोले गुरु जी हम बड़े दुखी हैं, बोले क्यों कहते हम बड़े दुखी हैं, बोले क्यों, बोले कितने जन्म 84 लाख जन्म भटकते भटकते मेरे को एक पेट धान तो जो गेहूँ का मेरे को जीवन मिला, धान की जीवन मिला, और कितने भाग्य से मैं कहाँ तक आया, किसने मेरे बेचार को कोई संतोष को लेकर आया और मेरे को रोसई बनाया, अभी मैं ठाकुर की सेवा में लगने वाला था लेकिन जो मार निकालते हैं वो चावल हमसे गिर पड़ा, में कोई चावल अगर मेरे को गुरुमा से उठा करके क्या होता, अगर ठाकुर को सेवा में लगा देते फिर ठाकुर को सेवा में लग जाता मेरे को मुक्ति पर उधार, जन्म मृत्यु का चक्कर से मेरे को उधार मिल जाता, मुक्ति मिल जाती, मेरे को उन्होंने ठाकुर को सेवा में नहीं लगाई, कितने भाग्य से कहा मैंने चावल बात भी आ गया, रोसे तक उसको बात में ठाकुर की सेवा में नहीं लग पाया, मैं दुखी हो गया, मैं दुखी हो गया, गए बल्हाचार्य के सर को डांट लगाई, अपने सरों पर डांट लगाए, वो अर्ण स्वयं एक इंसान बनकर मेरे चरण में प्रार्थना कर रहे, मतलब ठाकुर को जो सेवा में जो चीज ठाकुर को सेवा में लगता है ना उसको क्या होता है संसार से उसकी धार हो जाता है, इसलिए घर का मंदिर का हर वस्तु ठाकुर सेवा की वस्तु है, बड़े भाग्य से कहीं वो चीज आया ठाकुर को सेवा में लगने के लिए, इसलिए हर चीज़ का प्रति हमारी नज़र देनी चाहिए, कोई चीज़ हमारी मंदिर सेवा के प्रति से कोई नष्ट नहीं हो, कभी यही आत्मबुद्धि यही ममता कहते हैं, कभी जो तटस्थ व्यक्ति हमारे महाराज बोले तटस्थ व्यक्ति का भजन भी नहीं होगा, तटस्थ व्यक्ति मतलब क्या है, मंदिर में रह रहे हैं प्रसाद खा रहे हैं मंदिर में खा रहे हैं लेकिन कोई चीज़ को देखकर दर्द नहीं है, बड़ा हुआ तो बड़ा हो रहा है सड़ रहा है सड़ रहा है कोई चीज वो नहीं, जब ऐसे व्यक्ति का कभी भजन उदय करते ऐसे व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता, इसको कभी जिंदगी में भक्ति नहीं हो कि उसका कुछ भी दर्द नहीं, किसी चीज का बस उसकी ममत्व नहीं है, जैसे कहते गुरुदेव तक इसका कोई भक्ति नहीं हो सकता, वंचित भक्ति से है, इसलिए ये ठाकुर का वस्तु है गुरु जी का वस्तु है इसको प्रति ममता होनी चाहिए। जैसे देखो माँ यशोदा कृष्ण को गोद में बैठा करते वहाँ दूध उतल रहा है, कृष्ण साक्षात या दूध पी रहा है, कृष्ण साक्षात दूध पी रहा है, दूध ऊपर ऊपर करके आग में गिरने जा रहा है, भैया यशोदा क्या की
कृष्ण साक्षात्कार कृष्ण सेवा वाले बहुत से उधर बैठा दिया कृष्ण उतर नहीं रहा था बैठो तो नहीं कैसे बैठ गया दूध खराब हो रहा है ना क्यों अगर दूध अगर ऊपर से गिर जाएगा मलाई नहीं बनेगी मलाई नहीं बन मक्खन कहाँ से आएगा तेरे को खिला भी कहाँ से मक्खन मेरे स्थान में जो दूध कभी तक तेरे को खिला दूंगी लेकिन वो मक्खन अगर गड़बड़ हो गया तो तेरे को कहाँ से इसलिए उनको बैठा दिया गोद में जाकर किस चीज को रक्षा कर रहे हैं दूध को रक्षा कर रहे हैं तो कृष्ण ने जितने प्रति उससे जो तटीय वस्तु में ज्यादा प्रति उनकी सेवा की वस्तु में होनी चाहिए मटकी फोड़ दिया कृष्ण ने मटकी फोड़ी लेकिन भैया ने क्या की उखल में बांध दी बोले क्यों तेने मटकी क्यों फोड़ी कृष्ण भगवान तभी यहाँ पर प्रश्न है भैया मटकी का ज्यादा महत्व ना कृष्ण का ज्यादा महत्व यहाँ पर किसकी महत्व ज्यादा है मटकी की ना कृष्ण का कृष्ण का साक्षात महत्व लेकिन चुके वो कृष्ण सेवा की वस्तु कृष्ण सेवा की वस्तु मटकी इसलिए उन्होंने मटकी की वजह से कहा भगवान प्राप्त तो भगवान को उखल में सबर से लेकर शाम को बिछाने छोड़ी तो तेरे को मैं बांध करके छोड़ दी क्यों तो कृष्ण सेवा की वस्तु नष्ट इसलिए यहाँ पर कहते हैं कर्तव्य बुद्धि से नहीं करनी चाहिए किसी बुद्धि से करनी चाहिए ममता और प्रेम को द्वारा करेंगे तो वो वस्तु का ज्यादा बनता है ठीक है हरे कृष्ण कृष्ण